की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का टॉपिक टॉपिक नंबर 7 है स्टूडेंट, और टॉपिक नंबर 7 जो 7th यूनिट से रिलेटेड है। टॉपिक की शुरुआत हम एक सिंपल पॉइंट से करने वाले हैं स्टूडेंट। टॉपिक का सबसे फर्स्ट हम वेटेज देखेंगे। वेटेज नीट एग्जाम के लिए इसी टॉपिक से हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। कभी कभी इसी टॉपिक से नीट एग्जाम के अंदर दो क्वेश्चन भी पूछने के चांसेस होते हैं। इसका मतलब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। उसके बाद रही बात बोर्ड एग्जाम की, बोर्ड एग्जाम में भी इसी टॉपिक से हमें 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अब 6 मार्क्स के क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से आते हैं तो टॉपिक बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मेडिकल एंट्रेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखो स्टूडेंट, टॉपिक जो है आज का हमारा वो है टॉपिक नंबर 7। 7 नंबर का टॉपिक, उसे हम इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, और इवोल्यूशन ए टॉपिक हमारे लिए 4 मार्क्स या फिर 8 मार्क्स देने वाला है मेडिकल एंट्रेंस के लिए, ठीक है। अब टॉपिक की सिंपल सी शुरुआत होती है। टॉपिक यूनिट नंबर 7 से आता है, और जो इवोल्यूशन के अंदर शुरुआत होती है हमारे टॉपिक की, वो यूनिवर्स है। स्टूडेंट, यूनिवर्स का मतलब क्या है ये हम सबको पता है, लेकिन यूनिवर्स का निर्माण 20 बिलियन ईयर्स एगो हुआ था। इसका मतलब यूनिवर्स का जो निर्माण है वो 20 बिलियन ईयर्स एगो हुआ, और 20 बिलियन ईयर्स एगो अगर यूनिवर्स का निर्माण होता है तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट। क्या क्वेश्चन आता है? अर्थ का निर्माण कब हुआ? अर्थ का निर्माण कब हुआ, ये हमारे माइंड में आने वाला क्वेश्चन है। सिंपल सी बात है, 20 बिलियन ईयर्स एगो यूनिवर्स का निर्माण, उसके बाद अर्थ का निर्माण जो है वो 4.5 बिलियन ईयर्स एगो इस टाइम पीरियड में हुआ था। 4.5 बिलियन ईयर्स एगो इसी टाइम पीरियड में अर्थ का निर्माण हुआ था। अब ये होने के बाद रही बात लाइफ फॉर्म की स्टूडेंट। लाइफ जो ओरिजिनेट हुई थी, यानी कि लाइफ का ओरिजिन कब हुआ, लाइफ ओरिजिनेट कब हो गई, तो लाइफ ओरिजिनेट हो गई वो 4 बिलियन ईयर्स एगो। 4 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। अब यहाँ पर तीनों सेंटेंस को हम देखेंगे, तीनों सेंटेंस को लेकर आगे बढ़ेंगे। तीनों सेंटेंस में से हमें इन्फॉर्मेशन इतनी ही मिलती है, यूनिवर्स का निर्माण 20 बिलियन ईयर्स एगो होता है, अर्थ का निर्माण 4.5 बिलियन ईयर्स एगो होता है, लाइफ ओरिजिनेट जो अर्थ के ऊपर हुई थी वो 4 बिलियन ईयर्स एगो में हुई थी, ठीक है। अब इतना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखने के बाद हम सबसे फर्स्ट बात करते हैं लाइफ के ओरिजिनेशन का, लाइफ ओरिजिनेट। स्टूडेंट, लाइफ ओरिजिनेट इसके बारे में हमें बात करना है। अगर अर्थ के ऊपर लाइफ ओरिजिनेट होती है तो स्टूडेंट अर्थ के ऊपर लाइफ के लिए फेवरेबल एटमॉस्फियर था और फेवरेबल एटमॉस्फियर है, ये वहाँ पर हमें बताना आसान होता है। इसका मतलब लाइफ को जो भी रिक्वायरमेंट थे वो रिक्वायरमेंट यहाँ पर है, ठीक है। तो लाइफ ओरिजिनेट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसी रिक्वायरमेंट्स को हम कंडीशंस कहेंगे, और वो कंडीशंस हम अभी देखेंगे, यानी कि अर्थ के ऊपर कौन से कंडीशंस थे, वो कंडीशंस लाइफ को ओरिजिनेट कर सकते थे, तो वो कंडीशंस कौन से हैं देखेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर कुछ कंडीशंस है, और उन कंडीशंस को लेकर लाइफ ओरिजिनेट हो सकती है। अब कंडीशंस कौन से, तो कंडीशंस के अंदर सबसे फर्स्ट है गैसेस, यानी कि गैसेस यहाँ पर प्रेजेंट थे, और रहने वाले गैसेस इन्हीं के अंदर हमें लाइट गैसेस दिखते हैं। अब लाइट गैसेस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? सिंपल सी बात है, हम सबको पता है लाइट गैसेस, लाइट गैसेस यानी कि जो हेवी नहीं है। फिर लाइट गैसेस के अंदर एग्जांपल्स कौन से हैं, एग्जांपल्स हम लेते हैं तो सबसे फर्स्ट वाला एग्जांपल है CH4, इसे हम मीथेन गैस कहते हैं स्टूडेंट, जो मार्श गैस है, जो आइडियल गैस है। तो इसी तरह से मार्श गैस, मीथेन गैस
जो है उन्हीं का निर्माण वहाँ पर हुआ था। मार्स गैस वहाँ पर प्रेजेंट था, जो लाइट की गैस के दौर पर हमने बताया। उसके बाद यहाँ पर NH3 भी था स्टूडेंट, ठीक है, NH3 भी वहाँ पर था। उसके बाद रही बात हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन भी वहाँ पर था, यानी कि H2 वहाँ पर प्रेजेंट था। ये तीनों गैस तो वहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो गैस था वो था वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स वहाँ पर प्रेजेंट थे। वाटर वेपर्स के बारे में थोड़ी देर में बाद हम थोड़ा डिस्कशन करने वाले हैं। वाटर वेपर्स बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। उसके बाद रही और एक बात हेलियम की, तो इतने सारे गैसेस वहाँ पर प्रेजेंट थे। ये सभी गैसेस लाइट गैसेस है स्टूडेंट, लाइट गैसेस। इन्हीं का मतलब क्या होता है, ये गैसेस थोड़ा वेट में कम होते हैं, इसलिए इन्हीं गैसेस को हम लाइट गैसेस कहते हैं। और कंडीशन के अंदर वहाँ पर गैसेस प्रेजेंट थे जो लाइफ प्रोड्यूस करने के लिए, लाइफ का निर्माण करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ये सिंपल सी बात वहाँ पर हम बता सकते हैं। अब गैसेस का हम एग्जाम्पल ले चुके हैं फर्स्ट कंडीशन में। यहाँ पर दूसरी एक बात हमारी नज़र में आती है, दूसरी एक बात यहाँ पर हम बोल सकते हैं, यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स भी थे स्टूडेंट। जो एलिमेंट्स थे उन्हीं एलिमेंट्स के अंदर हेवी एलिमेंट्स को हम यहाँ पर लेंगे, यानी कि जो एलिमेंट्स थे वो कौन से थे, तो वो थे हेवी एलिमेंट्स। हेवी एलिमेंट्स के लिए एग्जाम्पल लेते हैं जो एग्जाम में पूछने का चांस है। पिछले कुछ पेपर के क्वेश्चन में हमें जो भी एलिमेंट्स हेवी है उसके बारे में क्वेश्चन दिखा है स्टूडेंट। तो चलो हेवी एलिमेंट्स कौन सा है, तो इसके अंदर देखो एग्जाम्पल के तौर पर आयरन होता है, निकेल भी होता है। ये दो हेवी एलिमेंट के तौर पर हम वहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो गई हमारी कंडीशन नंबर फर्स्ट, इसे हम कंडीशन नंबर फर्स्ट कहेंगे। ये एग्जांपल है, ये कंडीशन नंबर फर्स्ट बन गई हमारी। उसके बाद कंडीशन नंबर सेकंड, जो लाइफ ओरिजिनेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हाई टेम्परेचर था स्टूडेंट, हाई टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हाई रहेगा तो रिएक्शन वहाँ पर फास्ट हो जाएगी, रिएक्शन फास्ट हो गए तो लाइफ ओरिजिनेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पर कंप्लीट होने के लिए हेल्प होती है। उसके बाद थर्ड जो रिक्वायरमेंट है वो थी रेज, यानी कि वहाँ पर रेज प्रेजेंट थे। अभी रेज कौन से प्रेजेंट थे वहाँ पर, वहाँ पर थे अल्ट्रा वाइल्ट रेज, यानी कि हम उसे यूवी रेज कहेंगे। यूवी रेज वहाँ पर प्रेजेंट थे, और यूवी रेज अगर यहाँ पर प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया यूवी रेज फोटोकेमिकल रिएक्शंस को सपोर्ट करते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शंस यानी क्या, जो रिएक्शंस सनलाइट की हेल्प से कंप्लीट होते हैं, जो रिएक्शंस फोटॉन्स की हेल्प से कंप्लीट होते हैं, उन सभी रिएक्शंस को फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहेंगे आप। अब यहाँ पर फोटोकेमिकल रिएक्शंस का इम्पोर्टेंट क्या है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस रिस्पॉन्सिबल है प्रोडक्शन करने के लिए, किसका, एनर्जी का, यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए फोटोकेमिकल रिएक्शंस रिस्पॉन्सिबल होते। अब फोटोकेमिकल रिएक्शंस एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो वहाँ पर एनर्जी अवेलेबल हो गई, सिंपल सी बात है। अगर एकादा लाइफ फॉर्म खुद की लाइफ कंप्लीट करता है तो उसे एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब ये एनर्जी की ज़रूरत कंप्लीट हो गई फोटोकेमिकल रिएक्शन से, यानी कि वहाँ पर एनर्जी जनरेशन चालू हो गया, ठीक है। अब एनर्जी भी जनरेशन हो गया, फोटोकेमिकल रिएक्शंस भी वहाँ पर कंप्लीट हो गए, तो हम बता सकते हैं लाइफ आ सकती है। फोटोकेमिकल रिएक्शंस वहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं, अब लाइफ यहाँ पर आ सकती है स्टूडेंट। अगर लाइफ आ सकती है तो इसका मतलब क्या हो गया, लाइफ ओरिजिनेट के लिए इंडिकेशन मिल गया, ठीक है। अब देखो ये तीनों कंडीशंस वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल थे लाइफ को ओरिजिन करने के लिए। और एक बात रह गई, अब देखो यहाँ पर लाइट गैसेस है, यहाँ पर लाइट गैसेस है, वाटर वेपर्स भी है, लेकिन स्टूडेंट उस टाइम यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिकुलर फॉर्म में नहीं था। ऑक्सीजन मॉलिकुलर फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब उस टाइम का एटमॉस्फियर रिड्यूस्ड एटमॉस्फियर था, एग्जाम में पूछा था रिड्यूस्ड एटमॉस्फियर। कौन सा एटमॉस्फियर है,
रिड्यूस्ड एटमॉस्फेयर है, और ये रिड्यूस्ड एटमॉस्फेयर है इसका मतलब देयर नो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है क्या मॉलिक्यूल फॉर्म में? नहीं है ऑक्सीजन। अगर मॉलिक्यूल फॉर्म में नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पर रिड्यूस्ड एटमॉस्फेयर है स्टूडेंट, ठीक है। ये सिंपल सी बात हमें वहाँ पर पता चली। अब देखो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद हम चलते हैं सीधा कुछ थेरीज की तरफ। हमें कुछ थेरीज देखना है, और जो थेरी रिस्पॉन्सिबल है लाइफ ओरिजिनेट का प्रूफ देने के लिए। अब लाइफ ओरिजिनेट का प्रूफ देने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने वहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं, और उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को लेकर जो ऑब्जर्वेशन मिला, जो प्रूफ मिला, वो प्रूफ यहाँ पर लाइफ ओरिजिनेट का एक प्रूफ था। यानी कि लाइफ ओरिजिनेट का प्रूफ प्रोवाइड करने का वर्क हमें वहाँ पर पता चलता है, और उसके बेसिस पर हम लाइफ का ओरिजिनेशन कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम थेरीज के बारे में बात करते हैं। थेरीज के बारे में बात करते हैं तो हमें यहाँ पर थोड़ा स्पेस बनाना है। अब हमें देखना है थेरीज फॉर लाइफ ओरिजिनेशन, या फिर ओरिजिनेट, लाइफ को ओरिजिनेट करने के लिए कौन से थेरीज वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल थे, और उन्हीं थेरीज का प्रूफ क्या है, ये अभी हमें देखना है, ठीक है। थेरीज थेरीज फॉर लाइफ ओरिजिनेट, ठीक है। लाइफ के ओरिजिनेट के लिए कुछ थेरीज देखना है, और थेरीज के अंदर हम सीधा लिस्ट बनाएंगे। सबसे फर्स्ट हमें देखना है स्टूडेंट स्पेशल क्रिएशन थेरी। फर्स्ट वाली थेरी कौन सी? हमारी स्पेशल क्रिएशन थेरी। उसके बाद सेकंड हमें देखना है एबायोजेनेसिस। देन स्टूडेंट हमें थर्ड देखना है बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस थेरीज के अंदर हम डिफरेंट साइंटिस्ट को देखेंगे, और डिफरेंट साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट से हम वहाँ पर प्रूफ निकालने वाले हैं लाइफ ओरिजिनेशन का। तो यहाँ पर हम फ्रांसिस्को रेड्डी का एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं, उसके बाद स्पैलेंजेनी का एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं, स्पैलेंजेनी इन्हीं का एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं, और उसके बाद हमें और एक एक्सपेरिमेंट देखना है जो थर्ड नंबर का एक्सपेरिमेंट। थर्ड नंबर का एक्सपेरिमेंट जो है वो है पॉस्चर एक्सपेरिमेंट। तो इसी तरह से हमें थ्री एक्सपेरिमेंट देखना है बायोजेनेसिस के अंदर। ए बायोजेनेसिस के अंदर हम हॉर्स का एग्जांपल लेने वाले हैं, वहाँ पर हमें वॉन हॉलमंड के बारे में बात करना है। वॉन हॉलमंड के बारे में बात करने के बाद स्पेशल क्रिएशन थ्योरी के बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट पॉइंट की। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। स्टूडेंट स्पेशल क्रिएशन थ्योरी इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हमें ज़्यादातर क्रिएटर के बारे में सोचना है। क्रिएटर यानी कौन? तो क्रिएटर यानी कि गॉड। मीन्स ये जो स्पेशल क्रिएशन थ्योरी है वो ज़्यादा बिलीवेबल है किसके लिए? तो बिलीवेबल है क्रिएटर के लिए, क्रिएटर यानी कि गॉड के लिए। अब इस थ्योरी के अंदर क्या बताया? इस थ्योरी के अंदर बताया जितने भी ऑर्गेनिजम्स, जितने भी एनिमल्स या फिर जितने भी लिविंग्स है, इन सब का निर्माण गॉड ने किया है, इन सब का निर्माण क्रिएटर ने किया है, इसलिए इसी थ्योरी को हम क्रिएशन थ्योरी कहते हैं। अब उसके लिए एग्जांपल दिया है बाइबल के अकॉर्डिंग। बाइबल के अकॉर्डिंग क्या बताया? फर्स्ट जो मैन था अर्थ के ऊपर उसका नाम था अदम, और फर्स्ट वुमन थी इसी का नाम था ईव।
इन दोनों को गॉड ने क्रिएट किया है, दोनों का निर्माण गॉड ने किया है, दोनों का निर्माण क्रिएटर ने किया है, ये स्पेशल क्रिएशन थ्योरी बताती है। अब दोनों का निर्माण अगर क्रिएटर करता है तो इसी थ्योरी को हम क्रिएशन थ्योरी कहेंगे। उसके बाद अनदर एग्जांपल जो हमको दिया था इसी के अंदर, वो था हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार, हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार फर्स्ट जो मैन था वो था मनु, और फर्स्ट वुमन जो थी वो थी श्रद्धा। ठीक है, तो इसी तरह से इन दोनों का निर्माण गॉड ने किया है, क्रिएटर ने किया है। दोनों का निर्माण अगर गॉड क्रिएटर करता है तो गॉड कौन है? तो गॉड है ब्रह्मा। ये हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार पता चलता है, यानी कि हर ऑर्गेनिज्म को, हर लिविंग को निर्माण करने वाला ब्रह्मा है, निर्माण करने वाला क्रिएटर है, ये स्पेशल क्रिएशन थ्योरी बताती है। ठीक है, उसके बाद अनदर थ्योरी की तरफ चलते हैं हम। दूसरी थ्योरी जो है वो है एबायोजेनेसिस। स्टूडेंट, एबायोजेनेसिस थ्योरी के अंदर हम वॉन हेलमोंट के बारे में बात करते हैं। इसी थ्योरी के अंदर हमें एग्जांपल दिया है हॉर्स का, और जो हॉर्स था वो था व्हाइट हॉर्स। व्हाइट हॉर्स के टेल हेयर्स के बारे में एक थ्योरी बताती है। एनिमल का निर्माण जो है वो किस प्रकार से होता है, ऑर्गेनिज्म का निर्माण किस प्रकार से होता है, लिविंग का निर्माण किस प्रकार से होता है, उसके लिए यहाँ पर हॉर्स टेल का एग्जांपल दिया था। देन अनदर एग्जांपल था वो था नाइल रिवर का। नाइल रिवर मड के अंदर डिफरेंट टाइप्स के लिविंग प्रोड्यूस हो सकते हैं, यानी कि नाइल रिवर मड वहाँ पर ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग्स को प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये वहाँ पर एक अनदर एग्जांपल दिया। उसके बाद थर्ड जो एग्जांपल है वो हमारी अनदर थ्योरी है, जिसे हम बायोजेनेसिस कहेंगे। और बायोजेनेसिस थ्योरी हमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल में देखना है, और बायोजेनेसिस थ्योरी के अंदर हम एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे। एक्सपेरिमेंट्स देखने के बाद हमें बायोजेनेसिस थ्योरी क्या, इसका मतलब समझ में आने वाला है। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं बायोजेनेसिस थ्योरी की। अब देखो स्टूडेंट, बायोजेनेसिस थ्योरी के अंदर हम थ्री डिफरेंट साइंटिस्ट के बारे में सोचेंगे, और तीनों साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, शुरुआत करते हैं थर्ड पॉइंट के, हमारे बायोजेनेसिस थ्योरी के अंदर हमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखना है, और जो एक्सपेरिमेंट्स हम देखेंगे उसके अंदर सबसे फर्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट है फ्रांसिस्को रेडी इनी का। स्टूडेंट, फ्रांसिस्को रेडी क्या करते हैं? फ्रांसिस्को रेडी थ्री डिफरेंट जार्स लेते हैं, और तीनों जार के अंदर मीट पीस लेते हैं, और उसी मीट पीस के बेसिस पर हमें बताते हैं लाइफ किस प्रकार से ओरिजिनेट होती है, और लाइफ को ओरिजिन करने के लिए किन किन चीज़ों की और किन किन रिस्पॉन्सिबिलिटी की आवश्यकता होती है, वो वहाँ पर हमें पता चलता है। तो चलो शुरुआत करते हैं एक्सपेरिमेंट की। अब देखो, तीनों जार में से फर्स्ट नंबर का जो जार है वो पार्चमेंट पेपर से कवर्ड है स्टूडेंट, सेकेंड नंबर का मुस्लिन क्लॉथ से कवर्ड है, और थर्ड नंबर का जार ओपन जार है स्टूडेंट। ठीक है, इसी तरह से तीनों जार के बारे में बताया। सबसे फर्स्ट वाला पार्चमेंट पेपर से क्लोज है या फिर ढका हुआ है, पार्चमेंट पेपर। ठीक है, उसके बाद अनदर है मुस्लिन क्लॉथ, और जो लास्ट बचा हुआ है वो तो ओपन है।
तो इन तीनों जार के अंदर मीट पीस लिए वाले हैं। अब देखो स्टूडेंट, एक्सपेरिमेंट में क्या पता चलता है। एक्सपेरिमेंट में यहां पर हमें कुछ फ्लाइज दिखाई देते हैं, यहां पर भी कुछ फ्लाइज दिखाई देते हैं, लेकिन ओपन जार के अंदर हमें फ्लाइज बाहर की तरफ भी दिखाई दे रहे हैं और फ्लाइज अंदर की तरफ भी दिखाई देते हैं। अब इसे लेबल करेंगे, ये फ्लाइज है, ये मीट पीस है, ठीक है। यहां पर क्लॉथ के बारे में और पेपर के बारे में तो हमने बताया। अब देखो, थोड़ी देर के बाद, कुछ दिन होने के बाद, यहां पर हमें लार्वी नजर आते हैं मीट पीस के ऊपर। देखो यहां पर अगर लार्वी है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया लार्वी न्यू लाइफ फॉर्म है, लार्वी न्यू लाइफ फॉर्म है, यहां पर किसी प्रकार की लाइफ फॉर्म नहीं हो गई, नो लाइफ फॉर्म, ठीक है। यहां पर भी किसी प्रकार की लाइफ फॉर्मेशन नहीं है, नो लाइफ फॉर्मेशन, ठीक है। अब दोनों जार के अंदर अगर लाइफ फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब ओपन जार के अंदर लाइफ फॉर्मेशन है, तो क्या होता है मतलब? देखो, मतलब ओपन जार के अंदर जो फ्लाइज थे वो सीधा मीट पीस को विजिट कर गए, और मीट पीस को विजिट करने के बाद इन फ्लाइज ने यहाँ पर एग्स दिए थे, ठीक है। और एग्स देने के बाद वहाँ पर लार्वी का प्रोडक्शन हो गया, लार्वी का निर्माण हो गया। और इसके ऊपर हम बता सकते हैं बायोजेनेसिस थ्योरी के अंदर लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग, ये सिंपल सा वहां पर सेंटेंस हमें पता चलता है। यानी कि बायोजेनेसिस थ्योरी सपोर्ट किसे करती है? लाइफ, लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, प्री एग्जिस्टिंग या फिर एग्जिस्टेंस, जो प्री एग्जिस्टेंस है उन्हीं से लाइफ यहां पर निर्माण होती है, ये पता चलता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट वहाँ पर रेडी बताते हैं। उसके बाद अनदर एक्सपेरिमेंट जो दिया है वो स्पैलेंजानी ने दिया है। स्टूडेंट, स्पैलेंजानी का एक्सपेरिमेंट भी सेम है, सिमिलर है एक्सपेरिमेंट स्पैलेंजानी, इन्हीं का एक्सपेरिमेंट सेम है एज लाइक टू द रेडी एक्सपेरिमेंट, रेडी एक्सपेरिमेंट के जैसा ही एक्सपेरिमेंट है। और वो सिंपल बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं? जो लाइफ ओरिजिनेट हो रही है, ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंस, ठीक है, इन्हीं से लाइफ ओरिजिन होती है, ये पता चलता है स्पैलेंजानी के एक्सपेरिमेंट से भी। अब दोनों एक्सपेरिमेंट सरी के थे, इसलिए दोनों एक्सपेरिमेंट के बारे में हमने इतना डिस्कस किया, लेकिन अनदर जो एक्सपेरिमेंट है वो है पॉस्चर का। पॉस्चर का एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि पॉस्चर के एक्सपेरिमेंट को हम श्वान नेक एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। और श्वान नेक एक्सपेरिमेंट जो एक्सपेरिमेंट सिंपल सा प्रूफ प्रोवाइड करता है बायोजेनेसिस के बारे में, तो उसी एक्सपेरिमेंट के बारे में अब डिस्कस करेंगे और उसी एक्सपेरिमेंट को अब यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब देखो, बायोजेनेसिस थ्योरी के अंदर हम जो लास्ट एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट है पोस्चर एक्सपेरिमेंट। पोस्चर एक्सपेरिमेंट सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ठीक है। तो हमारा थर्ड नंबर का जो एक्सपेरिमेंट था वो है पोस्चर एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट, पोस्चर एक्सपेरिमेंट जो रिक्वायरमेंट हमें बताता है एक्सपेरिमेंट के लिए, कौन से रिक्वायरमेंट से? तो वहां पर रिक्वायरमेंट से सबसे फर्स्ट वाला फ्लास्क, जो राउंड बॉटम फ्लास्क है। उसके बाद अनदर जो रिक्वायरमेंट है वो है शुगर। अब शुगर क्या है, किस लिए, ये थोड़ी देर में पता चलने वाला है। और ईस्ट भी वहां पर लेना है। इन तीनों रिक्वायरमेंट को लेकर हम एक्सपेरिमेंट रन करेंगे। अब देखो, सबसे फर्स्ट पोस्चर क्या करते हैं, राउंड बॉटम फ्लास्क लेते हैं, राउंड बॉटम फ्लास्क लिया,
उसी राउंड ब्लॉटम फ्लास्क को लेकर कंटिन्यू हम डायग्राम करेंगे। तो इस तरह से हमने डायग्राम भी निकाली। अब देखो इसी फ्लास्क के अंदर यहाँ पर शुगर और ईस्ट इन दोनों को लिया है। दोनों को लेने के बाद जो नेक रीजन है उसे थोड़ी हीट दी। हीट देने के बाद नेक रीजन का कन्वर्जन वहाँ पर हो गया। नेक रीजन का जो कन्वर्जन होता है वो किस फॉर्म में होता है देखो, सीधा डायग्राम फिर से निकालेंगे। अब जो नेक रीजन का कन्वर्जन हो गया इस तरह के स्ट्रक्चर में, और ये स्ट्रक्चर हमें मिलता है। मिल गया। अब देखो स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है नेक का, वो शॉन नेक लाइक बन गया। शॉन नेक लाइक, इसलिए इसी एक्सपेरिमेंट को शॉन नेक एक्सपेरिमेंट के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर सेम शुगर है, ईस्ट भी है। अब इतना होने के बाद यहां पर जो ओपनिंग थी उसे हम सील कर देंगे, यानी कि उसे सील किया। सील करने के बाद वहां पर किसी प्रकार का लाइफ ओरिजिन दिखा नहीं। इसका मतलब नो लाइफ ओरिजिनेट। लाइफ यहां पर ओरिजिन हो गई क्या? नहीं हो गई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहां पर जो ओपनिंग थी वो सील थी, और ओपनिंग सील रही तो बाहर के एटमॉस्फेयर से कोई कांटेक्ट नहीं था अंदर प्रेजेंट रहने वाले ईस्ट और शुगर का। लेकिन उसके बाद इसी एक्सपेरिमेंट को क्या किया, तो ये जो नेक है उसे ब्रेक कर दिया। नेक को ब्रेक करने के बाद एक्सपेरिमेंट फिर से निकालेंगे। अब देखो नेक को ब्रेक कर दिया, नेक को ब्रेक करने के बाद नेक का रीजन ओपन हो गया, यानी कि ये जो पार्ट है ये ओपन हो गया। और ओपन होने के बाद हमें राउंड बॉटम जो फ्लास्क है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये ओपन बन गई नेक आगे से। अब आगे से नेक ओपन है तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें लाइफ फॉर्म दिखाई देते हैं। लाइफ फॉर्म मीन्स यहाँ पर न्यू लाइफ फॉर्मेशन हो गई। न्यू लाइफ फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो है वो सिंपल है। अगर नेक ओपन होता है या फिर माउथ ओपन होता है फ्लास्क का, तो एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट होता है, और एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट हो गया तो प्री एग्जिस्टिंग्स वहाँ पर आ सकते हैं। मीन्स लाइफ कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग, ये शॉन भी बताते हैं, सॉरी ये पॉस्चर भी बताते हैं। यानी कि शॉन नेक एक्सपेरिमेंट के अंदर ये सिंपल सा हमें पता चलता है। उसके बाद रही बात अनदर एक थेरी की, जो सिंपल थेरी है जिसे हम फोर्थ नंबर की थेरी कहेंगे। इसी थेरी को पांस परमियाटिक कहते हैं, पांस परमियाटिक थेरी। पांस परमियाटिक थेरी, ठीक है। पांस परमियाटिक थेरी के अंदर हमने क्या देखा है और क्या पता चला हमें पांस परमियाटिक थेरी का? पांस परमियाटिक थेरी से एक बात समझ में आती है स्टूडेंट। इस थेरी का कहना है जो लाइफ का ओरिजिन है वो स्पेस के अंदर हुआ है, और लाइफ का ओरिजिन स्पेस के अंदर होता है तो लाइफ अर्थ के ऊपर स्पोर के फॉर्म में आती है। यानी कि लाइफ कम्स फ्रॉम द स्पेस। कहाँ से आ गई लाइफ? स्पेस से आ गई। और जो लाइफ स्पेस से आ रही है वो आ रही है इन द फॉर्म ऑफ स्पोर। लाइफ कम्स फ्रॉम द स्पेस इन द फॉर्म ऑफ स्पोर। स्पोर के फॉर्म में लाइफ अर्थ के ऊपर आ रही है, ये वहाँ पर इस थ्योरी के अंदर बताया है। फिर हम सेंटेंस लिखेंगे, जो लाइफ है वो क्या है? लाइफ आ रही है, कहाँ से आ रही है? कम्स फ्रॉम स्पेस। इसका मतलब होगा लाइफ स्पेस के अंदर है, और स्पेस से आ रही है, कहाँ पर आ रही है? ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर आ रही है। कौन से फॉर्म में आ रही है? इन द फॉर्म ऑफ स्पोर। स्पोर के फॉर्म में लाइफ अर्थ के ऊपर आ रही है। अब यहाँ पर जो स्पोर है उस स्पोर के अंदर ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है,
ये हमें वहाँ पर बताया है। जो स्पोर है उसी का डायग्राम हम निकालेंगे, वो कुछ इस तरह से दिया था, और इसी स्पोर के अंदर ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, इस तरह से। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर है, और ये जो है ये स्पोर है। तो लाइफ स्पेस से आ रही है और स्पोर के फॉर्म में आती है, ये पता चलता है। तो ये सिंपल सा आज का हमारा पोर्शन हो गया।